आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम अलसी की करी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी करी और इसकी हेल्थ बेनिफिट तो बहुत सारे है ही। तो करी बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी पाउडर चाहिए और अलसी की पाउडर बनाने की तरीका मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। उसमें मैंने 3 तरह के पाउडर बनाए हैं अलग अलग यूज के लिए। आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आज करी के लिए फिर से आपको पाउडर बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह की होती है अलसी। ये किसी सुपर स्टोर अथवा किराना स्टोर पर इजीली मिल जाती है, तो आप इसे लाकर अच्छी तरह से साफ करके ले लीजिएगा। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो अलसी भुनने के लिए गैस पर पैन रख लिए हैं, गैस ऑन कर लेते हैं और पैन को गर्म होने देते हैं। तो पैन गर्म हो चुका है, अब इनमें डालते हैं अलसी के बीज। इन्हें इस तरह से चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक इनमें से चटचट की आवाज ना आने लगे। थोड़ा भून कर गोल ना हो जाए ये अलसी, ये भुनने के बाद गोल हो जाती है, अभी चपटा है। तो देखिए ये भून कर गोल हो गई है, चटचट की आवाज आने लगी है। तो हम गैस ऑफ कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब इन्हें साइड में रख लेते हैं और इनमें डालने के लिए मसाला भून लेते हैं। तो मसाला मैंने लिए हैं इनमें डालने के लिए 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च और 1 चम्मच खड़ा धनिया। तो इन्हें डालकर भून लेते हैं थोड़ी देर, जस्ट 1 मिनट भूनेंगे इसे। तो अब ये भून चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब एक मिक्सी जार में डालकर इन सारे चीज़ों को पीस लेते हैं। तो देखिए मैंने पीस लिए हैं सारे चीज़ों को, अब इनको निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब सबसे पहले हम करी बनाने के लिए घोल बना लेते हैं। तो ये पाउडर लेंगे 4 चम्मच, आप अपने आवश्यकता के अनुसार से लीजिए जितने आपको बनाने हैं। इनमें 4 चम्मच में 4-5 जने के लिए सर्व कर सकते हैं। 1 चम्मच चमल का आटा, 1 छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, इससे कलर अच्छा आएगा। अब इनमें डालेंगे पानी। तो पानी हम इनमें 5 कप यूज करेंगे, इतने चीज़ें में हमें 5 कप पानी डालना होगा। तो अभी 3 कप पानी डाल रहे हैं, 2 कप बाद में डालेंगे। तो अब इन सारे चीज़ों को मिला लेते हैं एक बार चम्मच से। और अलसी का पाउडर हम पहले से बना के रखे तो ये करी बनाने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अब सेम पैन में हम करी बना लेते हैं। तो इनमें 2 चम्मच तेल डाल लेते हैं पहले और तेल को गर्म होने देते हैं। अब तेल गर्म हो चुका है तो इनमें डाल लेते हैं तेज़पत्ता, लाल मिर्च। लाल मिर्च को थोड़ा काट तोड़ कर भी डाल सकते हैं अथवा ऐसे ही डाल सकते हैं। अब इनमें डालते हैं आधा छोटी चम्मच जीरा और जीरा को डालकर थोड़ी देर जीरा को चटकने देंगे। अब इनमें डाल देंगे 5-7 पीस करी पत्ता, यदि आपके पास है तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन करी पत्ता डालने से फ्लेवर और अच्छा आता है करी का। तो है तो ज़रूर डालें, नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं, मेरे पास थी तो इसलिए मैंने डाल दी। अब ये सारे चीज़ें भून चुके हैं, अब इनमें डालते हैं एक छोटे प्याज को काट लिए हैं बारीक, ये डालते हैं। यदि आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसके बिना भी बना सकते हैं। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो देखिए प्याज भून लिए हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। अब इनमें डालते हैं ये घोल जो हमने बना कर रखे हैं, थोड़ा एक बार मिला लेते हैं, इस तरह से चला लेते हैं। अब ये सारे डाल लेते हैं। अब इनमें डालेंगे 2 कप पानी, 3 कप डाले थे और 2 कप बाकी था। तो अब 2 कप पानी डाल लेते हैं और डालकर इस तरह से चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक इनमें उबाल ना आ जाए, चलाते हुए पकाएंगे। देखिए मैंने करी में उबाल आने के बाद 1 मिनट और पका लिए हैं। अब करी पक चुकी है, इनमें डालेंगे 30 अचार, थोड़ा सा 1-2 टुकड़ा जो पुरानी हो, जैसे आम का हो अथवा और कोई हो, नींबू का मत डालिएगा। मेरे पास ये आमड़ा का अचार है तो ये मैं डाल ली।
आप चाहे तो दही भी 2 चम्मच फेंटकर खट्टी दही डाल सकते हैं, लेकिन अचार डालने से ज़्यादा टेस्टी बनती है करी। तो अब डालते हैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और गैस ऑफ कर देते हैं। चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। और सर्व करने से पहले आप चाहे तो जीरा और लाल मिर्च से तड़का लगाए अथवा ऐसे सर्व करें। तो देखिए, मैंने तड़का लगाकर सर्व कर लिए हैं करी को। बहुत ही टेस्टी करी बनी है। देखिए, इसी टेक्सचर की होनी चाहिए करी। आप चाहे तो पानी थोड़ा कम ज़्यादा करके पतला अथवा गाढ़ा भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहें बनाएं। ये करी को आप गर्मा गर्म चावल के साथ अथवा रोटी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है ये करी और हेल्दी तो है ही। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।